अस्सलामुअलैकुम अहमदुल्ला, आप देख रहे हैं आदवा सीखे। आज मैं आपको ईद की नमाज की नियत और नमाज बताऊंगा। वो नमाज थोड़ी सी अलग होती है जो किसी किसी को याद नहीं होती है। अब मैं ये दोनों चीज़ें बताऊंगा, तो आप सब ध्यान से सुनना। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी उठ के ईद की नमाज़ ईदगाह में ही पढ़ने की कोशिश किया करें। अगर किसी के ऊपर कोई परेशानी आ गई है या फिर वो लेट हो गया है तो वो अपनी मस्जिद में पढ़ सकता है, लेकिन पहली बार ईदगाह में ही जाने की कोशिश किया करें। अब मैं आपको नियत और तरीका बताता हूँ, तो आप सब ध्यान से सुनना। जब हम घर से निकलते हैं कि ईदगाह में नमाज़ पढ़ने जानी है ईद की, तो हमारे दिल में तो नियत होती है, बस उसे ज़बान से कहना है। और मैं आप सबको बता देता हूँ कि कैसे करनी है नियत। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज वाजिब ईदुल फित्र, मैं जाए 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ पीछे इमाम के। बस ये नियत हो गई, इसके बाद अल्लाह अकबर कह के नियत मान लीजिए। अब मैं आपको नमाज का तरीका बताता हूँ कि नमाज पढ़नी कैसे है। अल्लाह अकबर कह के हमने नियत बांध दी, और फिर सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये पढ़ ली हमने। इसके बाद इमाम साहब कहेंगे अल्लाह अकबर कह के, फिर हाथ छोड़ देना है। फिर इमाम साहब दूसरी बार अल्लाह अकबर कहेंगे, फिर हाथ उठा के फिर छोड़ देने हैं। जब इमाम साहब तीसरी बार अल्लाह अकबर कहेंगे, तो हमें अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेना है। फिर उसके बाद अलम शरीफ पढ़ी जाएगी, सूरत पढ़ी जाएगी, फिर रुकू होगा, फिर सजदे होंगे, फिर 1 रकात पूरी हो जाएगी। फिर जब हम सजदे से खड़े होंगे तो फिर नियत बांध के खड़े हो जाएंगे। फिर इमाम साहब अलहमदु शरीफ पढ़ेंगे, फिर सूरत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे, फिर हमें हाथ छोड़ दें, फिर अल्लाह अकबर कहेंगे, फिर हमें करके हाथ छोड़ देना। तीसरी बार में जब इमाम साहब कहेंगे अल्लाह अकबर तुम करके हाथ छोड़ देना, जब इमाम साहब चौथी बार में अल्लाह अकबर कहेंगे, तो हमें यूँ करके हाथ नहीं उठाना, हमें सीधा रुकू में जाना है, फिर सजदे में जाना है। फिर जब बैठते हैं तो अत्तहियात पढ़ी जाएगी, दुरू शरीफ पढ़ी जाएगी, और दुआ माशूरा पढ़ी जाएगी, फिर वैसे ही सलाम भेज लिया जाएगा, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ऐसे ईद की नमाज पूरी हो जाएगी। फिर जब सलाम फिर जाता है तो एकदम से नहीं भागना होता है कि फिर भीड़ हो जाएगी हम जा नहीं पाएंगे। पहले खुतबा मौला इमाम साहब पढ़ेंगे, फिर हम पूरा दुआ मांगेंगे, सही से दुआ मांग के सारा खुतबा सुन के फिर जाया जाए आराम से। और मस्जिद में भी कहीं पे भी जैसे कोई सी भी मस्जिद है, एकदम से गले नहीं मिलने लगे, आराम से मस्जिद के बाहर निकल के आराम से गले मिलें। इस तरह ईद की नमाज़ पूरी हो जाती है। अगर आपको मेरी बातें मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, तो उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामुअलैकुम।